लिए। अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से, सुषमा जी स्वागत है आपका। हाँ जी प्रणाम जी, हकीम जी, 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 जी स्वागत है आपका। जी सर, कोई सवाल है आपका? बताइए मैम। मैम टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिएगा। हाँ जी हेलो, प्रणाम हकीम साहब जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब मेरे ना बॉडी पे ना सफेद दाग हो गए हैं और है ना, मेरे सेकंड सवाल है, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, तो ये सफेद दाग का मैंने बहुत इलाज कर लिया लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है बिल्कुल ना, तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं। ठीक जी। अच्छा देवी जी देखिए, सर के दर्द के लिए तो एक एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ। ऐसे बैठें और ऐसे ऐसे 3 मिनट एक्सरसाइज करें, एक साथ नहीं कर पाएंगे लेकिन एक एक मिनट करके 3 मिनट करें। ऐसे पूरी तरह मोड़ें, देखें ये मैं यहाँ तक ले आता हूँ ठोड़ी को और यहीं देखना है 3 मिनट, 3 किस्तों में करें। अगर आपने 10 से 12 दिन ये एक्सरसाइज 3-3 मिनट की तो 10-12 दिन बाद आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका दर्द है कहाँ और मिलता नहीं है। ऐसा मेरा ज़ाती तजर्बा है, ये मर्ज मुझे भी था। ये एक्सरसाइज की इजाद मैंने की है, आप कोशिश करके देखें। और सफ़ेद दाग के लिए एक नुस्खा, एक दवा आती है बापची। बापची दाने होते हैं मेथी कैसे लेकिन काले, खुशबू मेथी से भी बहुत ज़्यादा होती है, इसे बापची कहते हैं। बापची लीजिए 100 ग्राम, अलसी लीजिए 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इसको पीस लीजिए और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, ज़रा सा 1 कैप्सूल की बराबर सुबह नाश्ते से पहले या बाद में और शाम को भी इसी तरह पानी से लिया करें। काफ़ी लंबा वक्त लगता है फ़ायदे में, अगर 2-3 महीने में उनकी रंगत बदलने लगे तो समझ लीजिए आपका ठीक होना मुमकिन है।